हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग। भाई आज आपको कश्मीर में चौथा दिन घुमाने वाला हूँ मैं, और आज आपको लेके चलने वाला हूँ सोनमर्ग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो आपका एक डेस्टिनेशन सोनमर्ग जरूरी होता है, आप सभी जानते होंगे। जैसे कि पहलगाम है, आने वाले टाइम में वो भी दिखाएंगे, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जो आपको बैक टू बैक देखने को मिल रही हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और आज सोनमर्ग श्रीनगर से जा रहे हैं, अभी बीच रास्ते में मैं रुक के मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ चलने वाले हैं। और ये रास्ता ये देख रहे होंगे, ये ब्रिज पार करके आप भी जाएंगे अगर आप श्रीनगर से सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे नीचे आपको देखो एक नदी बहती हुई मिल रही है जो सोनमर्ग की तरफ से ही आ रही है और ये श्रीनगर की तरफ से बहती हुई चली जाती है। तो ये देख रहे हो बहुत सुंदर है, और आज धुंध कम है तो आज नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर जो वादियाँ देख रहे हैं, वादियों पे ऊपर पहाड़ों के टॉप पे स्नो देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी खासी। तो भैया सोनमर्ग में काफ़ी ऊंची ऊंची मोटी मोटी बर्फ़ देखने को मिलने वाली है, तो चल के आपको दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। दोस्तों ये देखो अभी स्नो जमी हुई है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो पानी डाल के इसको साफ़ करते हैं, गर्म पानी डालते हैं इसके ऊपर तो वो स्नो हट जाती है जो रात की जमी हुई स्नो होती है। तो अभी हम निकलने वाले थे तो अभी पूरी गाड़ी के ऊपर ऐसे स्नो देखने को मिलेगी। देखो पूरे शीशों पे जो भी कोहरा होता है ओस होता है वो जम जाता है, तो ऐसा ही है कुछ। और यहाँ पे हटाने का जुगाड़ यही है कि गर्म पानी डालो इसके ऊपर तो ये हटेगा। ये देखो कैसे अंदर से भी जमा हुआ, गाड़ी के अंदर भी बैठा हूँ और पूरा स्नो स्नो है। मतलब बाहर हल्का भी पानी होगा ना वो जम जाएगा। तो ऐसे सड़कों पे भी हर जगह आपको पानी जमा हुआ देखने को मिलता है अभी। तो बस ऐसे ही मौसम में बारिश हो जाए बस एक बार, वो बारिश स्नो ही गिरेगी। तो ये रोड ही कारगिल और लेह लद्दाख के लिए भी जाता है, तो उसी रास्ते पे हैं हम। और मैं आपको आज सोनमर्ग में कुछ होटल भी दिखाने वाला हूँ, उसके प्राइस भी बताऊंगा आपको। तो अगर आप सोनमर्ग में रुकना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शन आपको दिखा दूंगा कुछ। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहाड़ियाँ चोटियाँ देखो बर्फ़ से लदी हुई हैं, और इस तरफ देखोगे तो देखो ऊपर ऊपर कैसे लोग रहते हैं पहाड़ों के ऊपर घर बना बना के, वो टॉप पे देखो सोचो कैसे जाते होंगे। और तो अभी टॉप पे जाने वाले हैं। वैसे मौसम ऐसा बन रहा है कि कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है ऐसा, तो आने वाले टाइम में जब भी आप आओगे 2-4 दिन में यानी जनवरी में कभी भी आओ स्टार्टिंग 1-2 जनवरी के बाद से हमेशा आपको स्नोफॉल लगभग देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा ही। और इस तरफ भी देखो लोग रहते हैं। कश्मीर की तरफ से आप अगर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो यहीं पे आगे कैंप वगैरह लगता है, जो बेस कैंप बनाया जाता है ना उस वहाँ से फिर छोड़ा जाता है बालटाल के रास्ते से, फिर आप अमरनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो सेम उसी रास्ते पर फिर मैं जा रहा हूँ, और इसी रास्ते पर आपको पहले सोनमर्ग मिलेगा, उसके बाद फिर बालटाल, फिर आप अमरनाथ के लिए निकलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी रास्ते में हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हैं, ये भाई हेलो बोलो। हेलो और ये सभी साथ में जा रहे हैं आज सोनमर्ग के लिए। तो अभी यहाँ पे हम रुके हुए थे एक ढाबे पे खाना खाने के लिए, तो कुछ पराठे वगैरह खाते हैं। और देखो यहाँ की खूबसूरती, वादियाँ अभी से ही देखने को मिलने लगी हैं, कुछ कुछ स्नो देखने को मिल रहा है। तो अभी चलते हैं खाते पीते, हाँ जल्दी जल्दी खाते हैं उसके बाद मिलते हैं फिर। चलिए दोस्तों अभी रास्ते में एक जगह रुका हुआ था, अभी पहुँचने वाले हैं सोनमर्ग, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर बचा हुआ है। और यहाँ पर देखो खूबसूरत सी एक नदी गुजर रही है साथ में, और लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो आगे बहुत सारे लोग हैं, ये जूम व्यू दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सुंदर लग रहा है तो मैंने कहा आप लोगों को ये ज़रूर दिखाना चाहिए। तो अगर आप भी सोनमर्ग जा रहे हैं तो ऐसा व्यू आपको अभी फिलहाल देखने को मिलेगा, मगर स्नोफॉल होगी तो ये सब ढक जाएगा, स्नो स्नो दिखेगा। दोस्तों अभी मैं यहाँ का पानी पी के दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल मिनरल वाटर होता है और ये पहाड़ों से आ रहा है, अभी अभी एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा है। और आने वाले टाइम में गर्मियों में ना ये पानी और भी ज़्यादा हो जाता है, यानी बहाव और पानी का लेवल दोनों बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक चीज़ अच्छी होती है कि जब आप ज़्यादा पानी देखते हैं ना तो ब्लू कलर का दिखाई देता है, डार्क ब्लू कलर का। तो दोस्तों ये जगह इतनी खूबसूरत है आप लोगों ने देख ही लिया, और अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे तब स्नो देखने को मिलेगी, और बहुत मोटी मोटी बर्फ़ की चादर देखने को मिलने वाली है। और ये जगह भी कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पे भी स्नो देखने को मिलने वाला है जब आप आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और आगे के लिए निकलते हैं। उस तरफ से लेह लद्दाख का रूट है, और अभी हम ये वेलकम टू सोनमर्ग यानी सोनमर्ग पहुँच चुके हैं। लगभग 1-2 किलोमीटर और इसके आगे जाना पड़ेगा, बाकी आ चुके हैं।
दोस्तों यहाँ पे अभी जहाँ पे हम हैं सोनमर्ग पहुँचे हुए हैं और यहाँ से ना बर्फ ज़्यादा गिरती है तो हर साल बंद हो जाता है ये रास्ता सोनमर्ग से आगे जाने के लिए। और लेह लद्दाख का यही सेम रास्ता है। तो अभी देखो सामने पीछे दिख रहा है ना वो टनल बन के तैयार हो चुके, जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा तो आप सर्दियों में भी आप सीधा लेह लद्दाख यहाँ कश्मीर के रास्ते से निकल पाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर लद्दाख जाने वाले सर्दियों में भी जाना चाहते हैं तो ये रास्ता अभी खुलने वाला है बहुत ही जल्द। बस ये इनॉग्रेशन हो जाए और फिर सोनमर्ग के रास्ते से आप बालटाल और ये लेह लद्दाख ये सब जा पाएंगे इजीली। ये देखो भाई यहाँ से अब मोटी मोटी बर्फ़ दिखने लगी है, ये बिल्कुल स्लाइड दिख रहा है पूरा, ऊपर से बर्फ आ रहा है नीचे की तरफ, तो बस ऐसे दिखेगा। ये देखो घोड़े लेके जा रहे हैं आगे गाड़ी से और इन्हीं घोड़ों पे हम लोग आगे जाके एक राइड लेने वाले हैं जो कि घुमाएगा हमें वहाँ का जो पॉइंट व्यू पॉइंट वगैरह होगा। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे शूज़ ले लिया है क्योंकि स्नो में जाने के लिए अपना जो जूता होता है वो काम नहीं करेगा, तो आपको गम बूट लेना पड़ता है, ये बड़े वाले जूते। तो बड़े वाले जूते यहाँ पे एवरेज प्राइस लगभग 100 रुपये हर जगह मिल जाता है पूरे कश्मीर में, कहीं पे भी अगर आप स्नो में जा रहे हो तो जूते लाने की जरूरत नहीं है बड़े वाले, आप नॉर्मल जूते पहन के भी आओगे तो चलेगा, मगर सॉक्स आप मोटे वाले लेके आना वही काम करेंगे, मोटे वाले दो सॉक्स पहनने पड़ते हैं। तो बस चलता हूँ अभी आगे, जूते का प्राइस मैंने बताया, आगे घोड़े और जो भी मिलता है उसका प्राइस बताता हूँ। तो भैया अभी हमने अपना घोड़ा ले लिया है, घोड़े से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, स्नो के पास जाने वाले हैं कुछ ही देर में, तो बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। देखो ये हमारे साथ कुछ और भाई हैं जो तभी मिले थे, सभी के साथ जा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो अपने घोड़े चढ़ रहा है भाई। ये देखो आगे बहुत स्नो मिलने वाली है, पूरा ग्लेशियर बना पड़ा है। शाबाश शाबाश, यहाँ से कोई मरा भी था भैया जी? कोई मरा था यहाँ पे क्या? नहीं मरा नहीं, ये उसके लिए जिसको प्यार में धोखा लग जाता है। तो ये है सुसाइड पॉइंट भैया, यहाँ पे सीधा एकदम नीचे खाई वाला है सिस्टम, इसका ब्रेकअप हो जाए ना, अच्छा यार धोखा मिल जाए प्यार में, हाँ सुसाइड कर लेता यार। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, प्यार में धोखा खाया हुआ आके यहाँ पे सुसाइड करता है, ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ से वैली पूरी दिख रही है, वो गजब बहुत प्यारा लग रहा है। देखो भाई अभी एक पहाड़ पार करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे देखो ये ग्लेशियर दिख रहा है, और हो सका तो देखो बीच में जाएंगे, देखो कहाँ तक पहुँचाते हैं, कौन सा पॉइंट इनका होता है। ये घोड़े वाले लेके जा रहे हैं हमें, और ये भैया पंजाब से आए हैं, कहाँ से आए भाई? भाई बसी उठाने से। मैं तो जानता ही नहीं यार। चलो बढ़िया, जहाँ से आए अच्छा है, और अभी सब साथ में आए, ये देखो ये पूरी टीम आई हुई है इनकी। तो भैया बता रहे हैं वो जो टॉप पे ग्लेशियर का बर्फ दिख रहा है ना वो कभी पिघलता नहीं, कितने सालों से पुराना होगा वो? हजारों साल पुराना, हजारों साल से वो गर्मियों में भी नहीं पिघलता? नहीं नहीं। अरे वाह, आप जून जुलाई में भी आके देख सकते हो तो तभी बर्फ मिलेगा। ये देखो गर्मियों में भी बर्फ देखने को मिलेगी आपको, ये टॉप पे जो दिख रही है। ओ भाई, तो अगर आप लोग जून जुलाई में भी आएंगे तो स्नो देखने को मिलेगी, फिलहाल नीचे नहीं दिखेगी ऊपर दिखेगी टॉप पे। और यहाँ पे कुछ 2-3 मूवी की शूट हुई है, ये भैया बता देंगे कौन सी मूवी बनी है भैया यहाँ पे? यहाँ पे एक तो अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन, ऐलान-ए-जंग धर्मेंद्र वाली, हाँ। अरे वाह, और भी कोई बनी है क्या? राम तेरी गंगा मैली, अरे तो सारी मूवी शॉट आ गए वहाँ पे। इतनी प्यारी जगह है, यहाँ पे कई सारी मूवी शूट हो रखी है, तो आज हम अपनी मूवी शूट करें यहाँ पे। ऊपर चढ़ रहे तो वेट आगे पांव पीछे, अच्छा जी ठीक, पांव पीछे भाईजान, हां ऊपर चढ़ते टाइम घोड़े पे आगे थोड़ा वेट करेंगे, इसके आगे के पैर मजबूत होते हैं इसलिए। दोस्तों बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस समय रहा नहीं जा रहा है मेरा, मतलब सारा कपड़ा कम पड़ रहा है। और ये देखो सबसे प्यारा व्यू, बहुत ज़बरदस्त ग्लेशियर है, और यही बता रहे हैं ये कि हज़ारों सालों से ये ऊपर की चोटियों पर कभी बर्फ़ पिघली नहीं है, उस तरफ तो बहुत मोटा बर्फ़ है। अभी वहाँ पर हम जाने वाले हैं जहाँ पर बजरंगी भाईजान मूवी का शूट हुआ था, जो मुन्नी वाला था सीन ना, जो पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह था, वो सब कुछ यहीं सोनमर्ग में ही शूट हुआ था, तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इस तरफ इतना स्नो है और दूसरी तरफ के पहाड़, इस तरफ देखो ऊपर के चोटियों पे सूखा पड़ा है, ये वाले, तो इधर सूखा क्यों है, इधर बर्फ़ क्यों नहीं है? क्योंकि इधर ना अपोजिट पड़ता है, धूप कम पड़ती है और इधर धूप पड़ती है, धूप इधर से निकलता है उधर धूप पड़ती है तो वो सब पिघल जाता है, और इस तरफ धूप पड़ता है कम है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कभी पिघली नहीं है, तो बैक टू बैक यहाँ पे काफ़ी सारा स्नो हो जाता है। और नीचे देखो एक नदी चल रही है जो बर्फ़ से पिघलता हुआ सारा पानी आ रहा है यहाँ पे, और इसे कहते हैं ग्लेशियर पॉइंट, मतलब एक ये लास्ट होता है, इसके नीचे ही घोड़े को छोड़ देते हैं। देखो घोड़े वो घास खा रहे हैं, शायद दिख रहा हो, घास तो है ही नहीं, घास बता रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट है
बाकी इसके आगे आपको पैदल जाना है जहाँ तक भी मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँगा आपको दिखाऊँगा। थोड़ा तो एडवेंचर बनता है, उस ग्लेशियर के आसपास जाने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो पहाड़ों के बीच से ठंडी ठंडी हवाएं होती आ रही है ना भाई, तबीयत ख़राब कर सकती है, तो कपड़े वगैरह आप मजबूत लेके आना, कम से कम लेयर्स में 5-6 लेयर 7 लेयर 8 लेयर भी पहन लोगे तो ठीक है आपके लिए। अभी मैंने 4 लेयर पहनी है, 4 लेयर पता ही नहीं चल रही, मेरे हाथ और शरीर सब फेल हो चुका है। चलता हूँ आगे। दोस्तों बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस समय रहा नहीं जा रहा है मेरा, मतलब सारा कपड़ा कम पड़ रहा है। और ये देखो सबसे प्यारा व्यू, बहुत ज़बरदस्त ग्लेशियर है और यही बता रहे हैं ये कि हज़ारों सालों से ये ऊपर की चोटियों पे कभी बर्फ़ पिघली नहीं है, उस तरफ तो बहुत मोटा बर्फ़ है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इस तरफ इतना स्नो है और दूसरी तरफ के पहाड़, इस तरफ देखो ऊपर की चोटियों पे सूखा पड़ा है, ये वाले, तो इधर सूखा क्यों है, इधर बर्फ़ क्यों नहीं है, क्योंकि इधर ना अपोजिट पड़ता है, धूप कम पड़ती है और इधर धूप पड़ती है, धूप इधर से निकलता है उधर धूप पड़ती है तो वो सब पिघल जाता है, और इस तरफ धूप पड़ता है कम है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्नो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कभी पिघली नहीं है तो बैक टू बैक यहाँ पे काफ़ी सारा स्नो हो जाता है। और नीचे देखो एक नदी चल रही है जो बर्फ़ से पिघलता हुआ सारा पानी आ रहा है यहाँ पे, और इसे कहते हैं ग्लेशियर पॉइंट, मतलब एक ये लास्ट होता है, इसके नीचे ही घोड़े को छोड़ देते हैं। देखो घोड़े वो घास खा रहे हैं, शायद दिख रहा हो, घास तो है ही नहीं, घास बता रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट है। बाकी इसके आगे आपको पैदल जाना है जहाँ तक भी, मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँगा आपको दिखाऊँगा, थोड़ा तो एडवेंचर बनता है, उस ग्लेशियर के आसपास जाने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो पहाड़ों के बीच से ठंडी ठंडी हवाएं होती आ रही है ना भाई, तबीयत ख़राब कर सकती है, तो कपड़े वगैरह आप मजबूत लेके आना, कम से कम लेयर्स में 5-6 लेयर 7 लेयर 8 लेयर भी पहन लोगे तो ठीक है आपके लिए। अभी मैंने 4 लेयर पहनी है, 4 लेयर पता ही नहीं चल रही, मेरे हाथ और शरीर सब फेल हो चुका है। चलता हूँ आगे। फेस रिवील नहीं करना, आप खाली बोलोगे आवाज़ आएगी। तो अभी भैया कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? हम बजरंगी भाईजान पॉइंट पे। अच्छा, तो जो लास्ट सीन हुआ था बजरंगी भाईजान में मिनी वाला सीन, हाँ। उस साइड में पाकिस्तान बॉर्डर था, अच्छा, इस साइड में इंडियन बॉर्डर, क्या बात है। ठीक है, बीच में नदी बह रही है, हाँ, वहाँ पे बॉर्डर बनी थी, आर्टिफिशियल बॉर्डर, ठीक है, वहीं से उनने मतलब वो लास्ट सीन जो लिया था वो यहीं से लिया, यहीं शूट किया। जी जी, क्या बात है। तो देख लिया भाई यहाँ पे शूट हुआ था पूरा, अभी वो नदी भी चल के दिखाने वाला हूँ पास से, और पूरा देखो ये वाइट स्नो से ढका हुआ है और वो सामने ग्लेशियर जैसा माहौल है, अच्छा लग रहा है यार काफ़ी। और यहाँ पे भी होटल वगैरह मिल जाते हैं, तो अभी मैंने भैया से होटल का प्राइस पूछा है, तो अगर आप सोनमर्ग में होटल लेना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे 5,000 से 25,000 तक आपको मिल जाता है, ये प्राइस रेंज होता है, मतलब मिनिमम आपको 5,000 से स्टार्टिंग प्राइस पे आपको मिल जाएगा लगभग। जैसे स्टार्टिंग रेंज लेना चाहोगे बेसिक, जिसमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह होता है, बुखारी वगैरह, मतलब हाथ गर्म करने का, और गर्म कंबल का जुगाड़ आपको मिल जाता है। बाकी फिर जैसे जैसे लेवल आप करोगे 3-star 4-star 5-star, तो प्राइस आपके बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता है। बाकी देखो बहुत खूबसूरत वादी है, बस इसी में आप मज़े करते हुए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा म्यूज़िक के साथ आप इन्जॉय करें इस जगह को। भाई साथ में आज कई सारे दोस्त लोग हैं और इनमें से एक का बर्थडे है, दीपक भाई, इनका बर्थडे, तो अभी बर्थडे मनाने वाले हैं, बड़ा स्पेशल तरीका है सोनमर्ग में बर्थडे मनाने का, दिखाओ भाई कैसे मनाना है इनका बर्थडे। कर दे हैप्पी बर्थडे, ओए हैप्पी बर्थडे, ओए हैप्पी बर्थडे, अब होगा, पैर खींचो, ले चलो नीचे, आगे आगे आगे, पैर के साइड से एक और पकड़ो ये कौन पकड़ो, चलो ये बनी हैप्पी बर्थडे, यो बस 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 भाई बस पैंट में बर्फ चली जाएगी। अरे भाई का केक कटवाते हैं आगे, बर्फ के इकट्ठी करके कटवाएंगे भाई। हैप्पी बर्थडे मना लिया हमने, और ये देखो पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। भाई हैप्पी बर्थडे मना लिया हमने, और ये देखो पानी के अंदर से जाना पड़ेगा। इधर से ऊपर से नीचे मत जाना, नहीं पानी में जाओगे, नीचे गहरा है भाई। इधर से आओ, इधर से आराम से आ जाओगे, गिरना नहीं है, सब गीला हो जाएगा, आराम से। ओए ले, एक का तो वो दस्ता नहीं चला गया। चलो आगे, बहुत बढ़िया। तो भैया यहाँ की बर्फ़ ना एकदम भुरभुरी है, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग भी नहीं आए हैं और स्नोफॉल कुछ ही दिन पहले हुई है, 2-3 दिन पहले। तो ये देखो इन्होंने क्या बनाया इस भुरभुरी बर्फ़ से, स्नोमैन बन के तैयार है।
दिखाना है चेहरा, दिखाना है इसका नाक, काफी लंबी हो गई इसकी ये आंखें हैं, ये कान है, ये नाक है। लो जी मैं बनाता हूं इसकी टोपी। लो थोड़ा सा बर्फ खा के देखते हैं भाई, बहुत ठंडी है। बर्फ खाएंगे तो सही मगर अंदर फेफड़े खराब कर देगा, इसलिए नहीं खा रहा। आप लोग भी ट्राई करना मगर खाना मत। देखो भाई हमने परफेक्ट एकदम स्नोमैन बना दिया है और इसको मफलर भी पहना दिया, टोपी चश्मा सब लगा दिया। अब लग रहा है ना स्मार्ट, कैसा धर्मेंद्र जैसा लग रहा होगा ना ये। धर्मेंद्र लग रहा, क्या लग रहा, सलमान खान? ये हमारा बेटा लग रहा। बेटा कब पैदा कर दिया भाई तुमने? अभी बनाया। वो ठीक है, इसकी इसकी मम्मी कहाँ है? इनको बना दिया। ले भाई ये भाई इनके अंदर से वो ठंडक निकल रही है, बर्फ निकल रहा है, वो गिर गया भाई। काफ़ी कैसा लग रहा है भाई बताना एक बार, अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। देखो भैया यहाँ पे शूट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो फोटोग्राफर होते हैं, बट वो आपके फ़ोन से भी शूट कर देंगे और अपने फ़ोन से भी शूट कर देते हैं, गिम्बल वगैरह लगा के शूट करते हैं, तो अच्छा खासा वीडियो और फोटो शूट आपको मिल जाता है प्रोफेशनली आप ही के फ़ोन से, मतलब डेटा आपके पास ही रहेगा मस्त। बाकी वो भी शूट करके दे देते हैं, उनके पास भी बढ़िया फ़ोन रहता है, आईफोन तगड़ा शूट कर देते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है भाई। यहाँ पर मैंने कई सारे लोग देखे, वो देखो पीछे भी देख रहे हो ना आप, वो देखो शूट चल रहा है, और वो देखो गिम्बल दे के शूट कर रहा होगा भाई, ये देखो गिम्बल लेके शूट कर रहा ना। तो ऐसे कई जगह यहाँ मिलेंगे, लोग मिलेंगे जो आपको फ़ोटो शूट करके दे देते हैं। देखो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। केक काटने वाले भाई, अरे टोपी तो हटाओ यार, कटेगा केक सब में बटेगा, बांटो किसी को बांटो। ये इसको भी बांटो, ये सही है। ओ भाई खुद भी खा लो। ये ले खा केक, खा केक खा, खिला दो खिला दो। तो भाई यहाँ आ रहे हो तो ये सबसे बेस्ट जगह है, थोड़ा आगे चले आना जहाँ पे वो घोड़े वाला छोड़ता है ना, उससे आगे आप आओगे ग्लेशियर पॉइंट, जहाँ से मेन वो दिखता है जो पहाड़ों की दरारों से आप निकल सकते हो आगे भी, मगर उधर जाना सेफ नहीं है, यहाँ तक आप एंजॉय कर सकते हो। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो भाई यहाँ एंजॉय करने के लिए बर्फ में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर दोस्तों के साथ आते हो। देखो ये देखो ये आगे फेंक दिया, अगर स्नो और ज़्यादा हो तो पैंट में चली गई, लो उसके फिर पैंट में चली गई, पूरा सब ठंडा हो जाएगा। तो अगर स्नो में मज़े करने तो ऐसे भी स्नो में मज़े कर सकते हो, बहुत एक्टिविटीज़ हैं, कुछ भी करो। तो दोस्तों एंजॉय करते करते शाम हो चली है, अब मौसम और ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, और यहाँ पे देखो इतने सारे घोड़े हैं, तो वो सब ले सकते हो। बाकी अभी चलते हैं हम आगे वापस, और आपको कैसा लगा ये अपना सोनमर्ग, कैसा लगा आपको? देखो अब हटा देता हूँ मगर ठंडी ठंडी हवाएं कानों में जा रही हैं। देखो दोस्तों यहाँ सोनमर्ग में एक होटल है और यहाँ होटल का प्राइस मैं पता करके आपको लाइव स्टेटस दे देता हूँ कि कितने का इसमें मिल जाएगा रूम। और मेन ये पॉइंट है जहाँ पे अभी हम घूमने गए थे, उसी के नीचे ये ड्राइवर्स पॉइंट है जहाँ पे ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है, और यहाँ पे ये होटल है, चलिए पता करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने होटल का प्राइस पता किया है, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस मिलता है ना 7 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, 7,000 से 20,000 के बीच में, क्योंकि मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और स्नो के चक्कर में इतनी ज़्यादा सर्दी के चक्कर में पानी गर्म करना पड़ता है और हीटिंग के लिए काफ़ी सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह मिलता है, तो गर्म गर्म व्यवस्था करने में काफ़ी खर्च हो जाता है। होटल वाला नॉर्मली मुझे बात करके बता रहा था कि भैया काफ़ी खर्च हो जाता है, इस चक्कर में रेट्स थोड़े हाई रहते हैं। नॉर्मल रूम नॉर्मल होटल लोगे तो आपको लगभग 7,000 में मिलेगा, फैसिलिटीज़ सारी होंगी, और लग्जरी में जाओगे 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार जो भी है वो लगभग अच्छी फैसिलिटीज़ के चक्कर में आपको देते हैं लगभग 15 से 20 हज़ार तक रूम, और फूड वगैरह इंक्लूडेड होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो चीज़ देख लेना आप, यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। देखो ये है पूरी वादियाँ जहाँ पे अभी हम घूम के आए हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अभी एक रेडिसन बाई रेडिसन एक होटल मिला है, सेंचुरी इन करके, और ये होटल देखो भाई ये लग रहा है काफ़ी लग्जरी, आपको कैसा लग रहा है ये होटल बताना। और ये 4 स्टार होटल है यहाँ पे, और इसका प्राइस भी ऐसे 7-8 हज़ार से स्टार्टिंग होता है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब रूम्स आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूम, जैसे फैमिली रूम ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा बेडिंग वाला रूम होगा वो,
तो ऐसे ही कुछ है। मैंने प्राइस काफ़ी होटल का पता किया, सभी का एवरेज यही आ रहा है, लगभग 6-7 हज़ार से 20 हज़ार के रेंज में निकल रहे हैं। तो रूम्स के हिसाब से थोड़ा वो देख लेना आप लोग क्या कॉस्ट आ रहा है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम लास्ट में आ चुके हैं यहाँ पे, और सोनमर्ग के एकदम लास्ट में यहाँ पे अभी फिलहाल बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है, आगे नहीं जाने देंगे। तो ये जगह है 0 पॉइंट, यहाँ पे अभी स्नो देखने को मिल रही है, और गर्मियों में समर के टाइम पे भी इसके आगे स्नो देखने को मिलती है। और ये रास्ता जाता है जोजिला लद्दाख वगैरह के लिए, सेम यही रूट निकलता है। तो अभी फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया, यहीं सोनमर्ग से ही आपको ये रूट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अब घर वापस। तो दोस्तों आज मैंने सोनमर्ग का टूर आपको दिया है, कैसा लगा आपको सोनमर्ग का टूर और ये जगह, इसकी खूबसूरती, और साथ में यहाँ पे मैंने होटल भी आपको बता दिया, होटल भी आप आके स्टे कर सकते हो। देखो मेरे पीछे दिख रहा है, ये सारे के सारे होटल्स हैं, और ये अपने मोहसिन भाई, ये अपने कैब वाले भैया, इनसे आप भी घूम सकते हो। प्लीज भैया को सब्सक्राइब करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप आगे अच्छे अच्छे वीडियो भी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। भैया लगातार मुझे घुमा रहे हैं और एक से एक अच्छी जगह घुमा रहे हैं हर दिन। आप भी घूमना चाहते हैं तो भैया आपको घुमा देंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारी गाड़ी वो खड़ी है, तो आप पर्सनल, प्राइवेट, फैमिली, हर तरीके की गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए वो भी आपको बता देंगे। कश्मीर आने से पहले आप पूछ सकते हो, जब भी आपको आना है तो ये पिकअप कर लेंगे आपको एयरपोर्ट या फिर जहाँ रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, दोनों से पिकअप कर लेते हैं। तो चलिए देखते रहिए ऐसी दिल्ली ब्लॉग, ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स मैं बराबर लाता रहूँगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं रास्ते में ही एक महाराजा ढाबा पे रुका हुआ हूँ, और यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 100% वेजिटेरियन फूड। यानी अगर आप ऑन द वे यहाँ पे घूमते हुए सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको रास्ते में ही वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर में वेजिटेरियन खाना मिलता है, नहीं मिलता, 100% वेज। हाँ ये तो 100% वेज है, बाकी हर जगह आपको कश्मीर में कहीं ना कहीं आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, जगह जगह मिल जाता है ना, हर जगह मिल जाता है, लगभग हर जगह मिल जाता है। हमारे पास वेज में ऑलमोस्ट सभी तो बनता है, लेकिन अभी जो हम दे रहे हैं जल्दी जल्दी कस्टमर को वेज थाली हमारी जो है वो जल्दी जल्दी बन रही है, जिसमें कि हमारे 7 डिशेज है, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं गुलमर्ग रोड पे ही ट्रैवल कर रहा था, मतलब घर के पास पहुंच चुका हूं जहां पे मैं स्टे करता हूं, और वहां पे अभी एक मुझे न्यू मिड टाउन करके हेल्थ केयर दिखा है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ आप सोच रहे हो, क्योंकि हम गर्मी के मौसम से सर्दी की तरफ आते हैं तो काफ़ी लोगों को हेडेक हो जाती है, सर दर्द होता है, उल्टी मितली या कुछ भी सर्दी से रिलेटेड अगर कोई नुकसान, कोई तबीयत ख़राब होती है, तो आपको ये हेल्थ केयर भी मिल जाता है जहाँ पे आप दवा ले सकते हो। मतलब कोई भी रास्ते में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको गुलमर्ग रोड पे ही ये मिल जाता है, 24 आवर्स ये खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। तो यहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, देखो वो मेडिकल सर्विसेज है, ये देखो थोड़ी दूर पे यहाँ पे रोड भी है, तो रोड से थोड़ा अंदर आना पड़ेगा, नार्बल मार्केट में आप पूछोगे न्यू मिड टाउन हेल्थ केयर जो भी है तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी ये रहा नंबर, कॉल करके भी आप सर्विस ले सकते हो, इसी रोड पर आपको मिल जाएगा।